नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रावचंद्र फिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और सब मेरे को कमेंट करके कह रहे हैं सर आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है और हमको आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे प्यार भरे कमेंट मेरे को मिल रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, SSC GT 2023 का टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं और रेगुलर क्लासेस में आपको दे रहा हूं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स पर पूर्ण रूप से अभी कार्य किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने मैथमेटिक्स की 3 क्लासेस अटेम्प्ट कर ली हैं, जिसमें से एक क्लास में आपका इंट्रोडक्शन रहा है और 3 क्लासेस में आपके क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी अलग अलग वैरायटी के और स्पेशल लेवल के क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सब में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं और हर तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकेंगे और काफ़ी अच्छे मेथड के साथ उनको कराया गया है। तो आज की क्लास में भी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इस क्लास को देखने से पहले पिछली जो क्लास है मैं ले चुका हूँ, ये क्लास 4 है, याद रखिएगा क्लास क्या है, 4 है। तो क्लास 4 है तो इसमें मैं जो आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो पिछली क्लासेस से रिलेटिव रहेंगे, लेकिन इस क्लास के कुछ क्वेश्चन थोड़े जो मैंने प्रीवियस क्लास में कराए थे उसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं इसमें कवर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज की क्लास में आपका नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस। आपको बहुत बड़े सवाल दिए होंगे, उसमें आपको काउंट करने होंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो पहले कुछ क्वेश्चन छूट गए थे लेकिन स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे, तो मैं ये चाहता हूं वो क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो पहले शुरुआत हम, तो चलिए क्वेश्चन किस प्रकार है, और मैं बार बार बोल रहा हूं ये 4th क्लास है, तो जिन्होंने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले उनको देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इस क्लास को पढ़ने में भी आपको काफ़ी मजा आए। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ी टाइम के लिए रुकना, क्योंकि जब मैं नंबर ऑफ जीरो पढ़ाऊंगा तो वहां से पिछली क्लासेस का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप में क्या है एक नया टॉपिक है, वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 7 की पावर 3, 3 की पावर 4n + 1, जहाँ एन एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है, तो आप इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो पिछली क्लास में मैं एक लॉजिक बताया हुआ था, एक बाइनोमियल थ्योरम के बारे में मैंने बताया हुआ था, बाइनोमियल थ्योरम, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप इसका लॉजिक समझ लेना। अगर आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बताया था मैंने, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई संख्या है और इस संख्या से आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, और अगर वो वाली संख्या जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं और वो वाली संख्या अगर इस संख्या से एक कम है, उसमें एक का अंतर है और उसकी पावर कुछ भी हो, तो उसका सीधा हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। फिर से सुन लीजिए, जैसे n एक संख्या है, इस संख्या से आप किसी ऊपर वाली संख्या में भाग दे रहे हैं और वो वाली संख्या में इस संख्या से एक का अंतर है। जैसे आप 4 का भाग दे रहे हैं तो ऊपर 3 है, तो यानी कि 4 से 3 छोटी है ना, एक का अंतर है और उसकी पावर कुछ भी बनी रहे, तो हमेशा सीधा कितना आएगा, एक आएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम हमको बताती है, ठीक है। अब ये क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इसका लॉजिक इस क्वेश्चन में लग रहा है तो मैं यहाँ पर बात करूंगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है 7 की पावर 3 और 3 की पावर 4n + 1, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से प्रारंभ होते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं, जो भी पॉजिटिव नंबर है वो सब आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एनीवे हमें क्या करना है, देखिए ये जो संख्या होती है इसकी घात जो होती है उसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं, और 4 का डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है उसे इस संख्या के ऊपर रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। ये पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ और हर क्लासेस में ये मेथड चल रहा है तो आपको पता ही होगा। तो हमें इससे मतलब है, तो 3 और 4n यही है ना, इसमें हम क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, जिससे आप डिवाइड करना चाह रहे हैं और जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें एक का अंतर है, और मैंने अभी आपको बताया कि जिस संख्या से आप डिवाइड करेंगे ऊपर वाली संख्या में, यदि उसमें एक का अंतर और उसकी पावर कुछ भी बनी रहे, उसका सिर्फल कितना होगा, 1। तो इसकी पावर कुछ भी बनी रहे, इसका सिर्फल कितना होगा, 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो देखो 7 की पावर, मैंने आपको बताया था कि जो आपका शेषफल आएगा उसको इस पर रखना है, तो ये रखा हमने और ये 1 है और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया, अगर कोई दिक्कत आती तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 4 की पावर 3 5 की पावर 3 और ऐसे चलते चला जा रहा है 100 की पावर 3। इस प्रकार का प्रश्न मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं, तो पहले उस क्लास को देख लेना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डाइट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस तरह का प्रश्न आता है तो आप इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान समझिएगा।
ये क्या है, सेट वाला प्रश्न है, इसमें सेट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, ऐसे ये चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 10 की पावर 3। ओके, फिर प्लस, फिर स्टार्ट होगा 11 की पावर 3, 12 की पावर 3, और ऐसे चलता जाएगा 20 की पावर 3, और फिर ऐसे चलते 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 ये स्टार्ट होगा 91 की पावर 3, 92 की पावर 3, इस तरह से चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ये 100 की पावर 3 तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या बनेंगे, सेट। 1 से 10 तक एक सेट, 11 से 20 तक एक दूसरा सेट, और 21 से 30 तक तीसरा सेट, ऐसे सेट बनेंगे। तो आप समझ गए होंगे इस बात से कि 1 से 100 तक है तो कितने सेट बनेंगे, तो आंसर है इसमें 10 सेट बनेंगे। कितने सेट बनेंगे, 10 सेट बनेंगे। ठीक है, अगर 10 सेट बनेंगे और हमने क्या करना है, एक ही सेट को हल करना है, हमने क्या करना है, एक ही सेट को हल करना है। तो यदि हम इस सेट को हल करते हैं, किस सेट को हल करते हैं, इस सेट को हल करते हैं, तो देखो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हालांकि डिटेल में इसको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आप उसको देख लेना। इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व। सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया ही हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पर एक मतलब कुछ भी वैल्यू आती है, क्या आती है, कुछ भी वैल्यू आती है, लेकिन आप उसमें मल्टीप्लाई तो 10 का ही करेंगे ना, क्योंकि कितने सेट हैं, 10। तो आप हर एक सेट को सॉल्व करेंगे, और 10 सेट है तो 10 का ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो आपका सेट बनना है, इसको सॉल्व करने पर कुछ भी वैल्यू आए, कुछ भी वैल्यू आए, उसमें मल्टीप्लाई तो आपको 10 का ही करना है। और आप देख लीजिए, अगर आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। उत्तर कुछ भी हो लेकिन लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको अच्छे से समझना है तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है, तो इसमें मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर उन्होंने जिन्होंने क्लास देखी है उनके लिए बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 10th प्लेस, यानी कि ढाई का अंक आपको दिया हुआ है, 2 की पावर 1001 है, इसका ढाई का अंक आपको बताना है। अभी तक आपसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है, आप ढाई का अंक बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड से नज़र नहीं हटनी चाहिए। ये आपको दिया हुआ है भाई, ठीक है, 2 की पावर 1001 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, पहले अपन इसको मैं ऐसे लिख लूँ, बताओ भाई ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है सेम ऑफ कॉपीशन सम ऑफ डिग्री, यदि गुणांक समान हो तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो गुणांक समान है, घाते जुड़ जाएंगे, वही आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, और इसको 100 कर सकते हैं, और ये तो 2 चल ही रहा है। अच्छा, अब 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 1024, 1024 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप 2 का 10 बार गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, करके देख लो, ठीक है। तो ये क्या लिख दिया, 1024। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि यहाँ पर ये 10 को तो छोड़ ही दीजिए, ये आप 24 को देखिए। 24 की साइक्लिसिटी की मैं बात करूँ, साइक्लिसिटी क्या होती है सब कुछ बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, उसको देख लेना, और थोड़े टाइम तक रुकिए, नंबर्स ऑफ जीरो से आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं। साइक्लिसिटी की अगर हम बात करें, 24 की बात करें, तो 24 की देखो साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, 24 की पावर 1 यानी कि 24 आएगा, 24 की पावर 2 यानी कितना आएगा, 576 आएगा, 24 की पावर 3 यानी कि 13,824 आएगा। अगर 24 की पावर 4 की बात करें तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन लास्ट में 76 आएगा। तो ये 24 की क्या हो गई, साइक्लिसिटी। देखिए 24, 76, 24, 76, इस तरह से आप गुणा करते चले जाओगे, भले ही कितनी बार कर लो, 24 की पावर 100 है, 100 बार कर लो, ये साइक्लिसिटी है। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी कितने की है, 2 की है, 24, 76, 24, 76 लास्ट में चल रहा है। एक तो ये चीज़ पकड़िए, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पकड़िए कि अगर आपकी संख्या, जैसा कि 24 की जो घात है अगर वो ऑड है तो आपको क्या लेना है, 24, और अगर 24 की घात इवन है यानी कि सम है तो आपको क्या लेना है, 76। अब आप यहाँ पर देखिए अपने प्रश्न में 24 की पावर कैसी आ रही है, इवन आ रही है, 100 का मतलब इवन आ रही है, तो 24 की पावर आप कैसी लोगे, क्या लोग, 24 की पावर कैसी आ रही है, इवन, हाँ सॉरी, तो आपको क्या लेना है, 76 लेना है, क्या लेना है, 76।
अब 76 मल्टीप्लाई कितना आता 2, तो ये 152 हो गया। और आपको बताना था ढाई का अंक, तो ये आपका ढाई का अंक, इसको छोड़ दीजिए, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पसंद आया, मज़ा आया, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और लॉजिक था। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस एक बार हो गई तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए अब बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर्स ऑफ जीरो। तो पहले हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे, ध्यानपूर्वक से कंसेप्ट को समझना, और ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, तो पिछली क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए बिना देरी करते उस कंसेप्ट को, जीरो को कैसे काउंट किया जाता है उसके लिए मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ। नियम ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। आपको एक नंबर दिया जाता है 5, ये 5 नंबर की क्वालिटी को समझ लीजिए। अगर इस 5 के सामने कोई सम संख्या आती है, क्या आती है, सम, यानी कि एवन नंबर आता है, तो ये आपको हमेशा 0 देगा। क्या देगा, 0। और अगर इस 5 का गुणा अगर आप ऑड नंबर से करते हैं, किससे करते हैं, ऑड यानी कि विषम संख्या से, तो ये हमेशा आपको क्या देगा, 5 देगा। क्या देगा, 5। तो ये नियम पक्का याद रखिए कि अगर 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या से होगा तो 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या से होगा तो 5 आएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया 5 गुणा 2, तो 5 का इससे गुणा करोगे तो 10 आएगा। क्या आएगा, 10। देखो 0 आया कि नहीं आया लास्ट में। अच्छा, तो हमको 0 ही काउंट करने हैं, ठीक है, तो 0 ही काउंट करने हैं, तो इसमें कितने 0 आए, 1 0 आया। अगर मैंने आपको दिया 5 गुणा 2 5 गुणा 2, ये मैंने आपको दिया, इसमें नंबर ऑफ 0 आपको बताने हैं, तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया 10, इसका मल्टीप्लाई किया 10, तो कितना आ गया, 100, तो इसमें कितने आ गए, 0। अब यहाँ पर एक लॉजिक है, उसको पकड़िए। यहाँ पर 1 5 था और एक ही सम संख्या थी, तो 1 ही 0 आया। यहाँ पर 2 5 हैं और 2 सम संख्या हैं, तो कितने 0 आए, 2 0 आए। बस यही लॉजिक आपको याद रखना है कि जितने 5 होंगे और उतने ही एवन नंबर होंगे, तो उतने ही क्या आएंगे, आपके 0 आएंगे। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको हर एक सवाल समझ में आने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं सीधा सवालों की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। अब इस प्रश्न में हमको नंबर्स ऑफ 0 काउंट करने हैं, वो कितने होंगे। अब पहली बात तो यहाँ पर आपको ना तो 5 दिख रहा है, ठीक है, ना तो 2 दिख रहा है, जिसका आप मल्टीप्लाई करके बता दो कि कितने 0 आएंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक है, ध्यान समझिए। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ 84 की, अगर आप इस 84 के गुणनखंड करोगे, किसके गुणनखंड करोगे, 84 के गुणनखंड करोगे, तो अगर आप 84 के गुणनखंड करोगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे इवन नंबर मिलने वाले हैं। आप करके देख लेना, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, इवन नंबर मिलेंगे। तो इवन नंबर की तो हमको कमी नहीं है, सम संख्याओं की कमी नहीं है, कमी किसकी है, 5 की। तो अगर हम 5 संख्याएं निकल रहे हैं, 5 के नंबर हमने काउंट कर लिए कि कितने 5 आ रहे हैं, तो जितने 5 आएंगे उतने ही 0 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ पता है कि हमको 84 में सम संख्याओं की कमी नहीं है, तो हमको क्या ढूंढना है, 5 कितने हैं। तो वही हमारा टारगेट रहेगा हर क्वेश्चन में कि हम 5 को ढूंढेंगे, क्योंकि आपको हमेशा सवाल इस तरह सेट करके दिया जाएगा कि आपको सम संख्याओं की तो कमी रहेगी ही नहीं बिल्कुल भी, बस आपको ये पता लगाना है कि 5 कितने हैं। तो उसका ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 25 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूँ तो ये 5 गुणा 5 में टूट जाएगा, सही कह रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी करता हूँ तो ये 21 गुणा किस में टूट जाएगा, 4 में, ठीक है, 21 गुणा 4 में टूट जाएगा। अब यहाँ पर 5 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और आपको पता है कि इसके अंदर आपको सम संख्या मिलेंगी ही मिलेंगी बहुत सारी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितनी बार आया, 2, तो 2 ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, 2 ही क्या हो जाएगा, उत्तर। तो आपका टारगेट क्या है, आपको 5 ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं, 5। और आपको कुछ ना एक संख्या ऐसी दी जाएगी या बहुत सारी संख्या ऐसी दी जाएंगी कि आपको सम की तो सम संख्याओं की तो कमी ही नहीं होगी, बस आपको क्या निकालना है, 5 निकालना है, 5 ढूंढ के निकालना। चलिए और सवाल करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आएंगे। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर्स दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करके आपको नंबर्स ऑफ 0 बताने कि कितने नंबर्स ऑफ 0 हैं। तो ट्रिक क्या है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये वाला नंबर है, इसमें आपको इवन नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे, 88 में भी इवन नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे, और 79 में भी आपको इवन नंबर बहुत मिल जाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास पैसों की कमी नहीं है, बस आपको 5 निकालना है, 5 ढूंढ के निकालना है। अगर आप 5 ढूंढ के निकाल लेते हैं तो जितने 5 उतने ही क्या हो जाएंगे, यस, 0 हो जाएंगे। तो यही अपना टारगेट है। तो देखिए 75 को, देखिए 75 को यदि मैं तोड़ता हूँ, 75 को यदि मैं तोड़ता हूँ तो ये क्या होगा, 25 गुणा 3, 25 गुणा 3 में टूटेगा भाई। अगर आप 75 को तोड़ेंगे तो ये कितने में टूटेगा, 25 गुणा 3 में, और 25 में भी आपको 5 गुणा 5 3, यानी कि आपको यहाँ से कितने 5 मिल गए, 2 5 मिल गए। तो 75 ने आपको कितने 5 दिए, 2 5 दिए। अब बात करें इसकी, बात कर लेते हैं, ठीक है, यस। अब इसको अगर मैं तोड़ूं तो ऐसे लिख सकता हूं, मैं अगर इसको तोड़ूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 25 गुणा 9 गुणा 10,
अब 25 में कितने 5 होते हैं, 2, 9, और इसमें कितने होते हैं 5, 2, तो कितने 5 मिल गए आपको, 3। तो 2 75 ने दिए आपको 5, और 2 या 250 ने आपको कितने 5 दिए, 1, 2, 3। इनको आपस में जोड़ लीजिए, कितना हो गया 5, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सम संख्याओं की कमी नहीं है, क्योंकि आपको सम संख्याएं ये सब दे रही हैं, इनमें इतनी सारी आपको सम संख्याएं मिल जाएंगी कि 5 कम पड़ जाएंगे, सम संख्याएं कम नहीं पड़ेंगी। तो मुख्य टारगेट क्या है इस तरह के प्रश्नों को करने का, कि आपको 5 ढूंढना है, और 5 ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, गुणनखंड वगैरह आपको करने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा कितने 5 है, और उनको आपस में ऐड कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अब हम इस प्रश्न की बात करेंगे। अब इस प्रश्न को आप देखिए, 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 11 गुणा 2 की घात 7 5 की घात 7। तो इसमें आप देखेंगे 2 की घात 9, 8 की घात 9, ठीक है, 10 की घात 4, 2 की घात 7। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास एवन नंबर बहुत हैं, बस हमको क्या ढूंढना है, 5 ढूंढना है। और आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने 5 उतने ही शून्य आएंगे, क्योंकि एवन नंबर की कमी तो है ही नहीं, वो तो बहुत सारे हैं, 5 कम पड़ जाएंगे लेकिन एवन नंबर कम नहीं पड़ेंगे, तो हमको 5 ढूंढना है यहाँ पर। तो देखिए, एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें देखिए 5 कितने हमारे पास, 7, डायरेक्ट दिख गया 5 की घात 7 है, तो 7 5 है अपने पास। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पर देखिए 10 को, किसको देखिए, 10 को, क्योंकि ये तो 5 दे ही नहीं पाएगा, ये भी 5 नहीं दे पाएगा, ये भी 5 नहीं दे पाएगा, ये तो एवन दे पाएंगे, तो 10 और ये देगा, तो 10 की घात कितनी है, 4, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 गुणा 2, तो 5 की पावर भी 4 और 2 की पावर भी 4, तो जहाँ से आपको कितने 5 मिल गए, 4, और 7 और 4 कितना होता है, 11, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पसंद आया, काफ़ी आसान था, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना था, और मैं वीडियो के माध्यम से किसी भी चीज़ को पढ़ना बहुत आसान होता है, इसमें मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में भी नहीं आता तो आप उसको रिवाइंड करके या पीछे करके देख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यदि इस प्रश्न को समझ जाते तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, 1 से शुरू हो रही है संख्या और कहाँ तक जा रही है 100 तक जा रही है, तो इसमें शून्यों की संख्या, लगातार 1 से शुरू होने वाली संख्याएं जो 100 तक जा रही हैं, उनमें शून्यों की संख्या आपको बतानी, तो इसके लिए लॉजिक क्या है। देखिए मैं बात करता हूँ, शून्य की बात नहीं करता हूँ, किसी भी संख्या का आप पता लगा सकते हैं, वो इस नियम को याद रख लीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको दिया 1, 2, 3 गुणा ये संख्या जा रही है 10 तक, और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से 10 तक में 3 बताइए कितनी बार आएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 तक पूछा गया तो आपको 10 लिखना है, और किसका पता लगाना है, 3 का, तो 3 से आप भाग लगाएंगे, 3 से आपको जब तक भाग लगाना है, 3 से आपको जब तक भाग लगाना है जब तक भाग जा रहा है, और अगर 3 से छोटी संख्या आ जाएगी तो आपको भाग लगा देना, क्या कर देना है, बंद कर देना है। अगर आप इसका 3 का इसमें भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 3 का इसमें आप भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 बार चला जाएगा, ठीक है, और फिर 3 का 3 में लगाओ तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा, और इनको आपस में जोड़ लो तो कितना आया, 4। तो यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं में 3 जो होंगे ना, वो 4 बार मिलेगा आपको, कितनी बार मिलेगा, 4 बार। जैसे मैं आपको बताऊँ, 3 तो एक खुद ही है, और 6 और 9, 3 तो एक बार मिल ही गया, और 2 में कितनी बार मिलेगा, 3 गुणा 2, ठीक है, इसकी बात करें 3 गुणा 3, 1, 2, 3 और 4, यानी कि आपको कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। एनीवे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये याद रखिए कि 1 से 10 तक में अगर आपको किसी भी संख्या का पता लगाना है, आपको 3 का पता लगाना है, तो जहाँ तक आपको पता लगाना है उस संख्या को रखिए, उसमें 3 का भाग लगाइए, और जब तक भाग लगाइए जब तक आप या तो 3 के बराबर ना पहुंच जाए या 3 से छोटी संख्या तक ना पहुंच जाए, तब तक आपको भाग लगाना है, ठीक है, डेसिमल में नहीं लगाना है। अभी मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक आपको 2 कितनी बार आएगा उसका पता लगाना है, तो ठीक है 10 लिखिए, 2 का भाग लगाइए, कितनी बार गया, 5 बार। अब 5 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है, डेसिमल नहीं निकालना है, ठीक है, पूरा नहीं करना है, और 2 का इसमें लगाइए तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो देखिए 5, 6, 7 और 1, 8, तो 8 इसका उत्तर होगा, यानी कि 1 से 10 तक आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 बार क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, 8, 2 बार, सॉरी 2 कितनी बार मिलेगा, 8 बार। तो वही लॉजिक आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में लगाना है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या पता कैसे लगती है, 5 से, तो हमको 5 का डिवाइड करना है, तो हमारे सामने 100 है, तो हम इसमें कितने का डिवाइड करेंगे, 5 का, तो अगर हम 5 का डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा,
20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। अब 4 में आप 5 का डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 5 से छोटा है 4, तो बस हमारी काउंटिंग यहीं पर रुक जाएगी। तो 20 और 4 कितना होता है 24, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 24। क्या दिक्कत थी? तो बस एक लॉजिक याद रखिए, आपको किसी भी संख्या का पता लगाना है, अगर आपको 1 से 100 तक सम संख्या का पता लगाना है तो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। 2 का पता लगाना है 1 से 100 तक, तो आप 100 में 2 का भाग देते जाइए, जब तक जा रहा है तब तक आपको देते जाना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा 1 से 100 तक कितने 2 आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एनीवे, तो ये लॉजिक याद रखिए, शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है तो 5 का भाग देंगे, और आपको जब तक देना जब तक जा रहा है, या तब तक देना जब तक उससे छोटी संख्या आपको प्राप्त नहीं हो जाती है, ठीक है। चलिए, अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, इस प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 500 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल क्या? अभी तो आपने एक सवाल किया था 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते आपको कब तक जाना है 100, इसको बोलते हैं 100 का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 500, तो बात तो वही है, 1 से लेकर 500 तक का आप जो गुणा करोगे तो उसमें कितनी बार शून्य आएंगे वो हमको बताना है। तो लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, चलिए इस प्रश्न को ट्राई करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? तरीका वही है, आपको क्या लेना है 500 फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे, 1 से लेकर 500 बार आपको लिखकर मल्टीप्लाई करना है। तो हम 500 लेते हैं। अब इसमें हमको शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है तो हम किसका डिवाइड करेंगे? 5 का। तो 5 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 100 बार। और 100 में अभी आपको देख के बताया था कितनी बार गया था, 20 बार। और 20 में आपको 5 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, बस तो जाएंगे कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया 124। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। पसंद आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए, इस प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर आपको संख्या शुरू हो रही है 1 से और ये कहाँ तक जा रही है? 378 तक। इसको कन्फ्यूज मत होना, ये लगातार संख्याएं ऐसी जाएंगी और 378 तक जाएंगी, और इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना जीरो हमको मिलेगा रास्ते में, कितने जीरो आएंगे वो हमको बताना है, ठीक है। तो गुणा तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा गुणा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ट्रिक तो होगी, तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी अभी। आपको लास्ट वाली संख्या देखनी है कितनी है, 378, और हमको शून्यों की संख्या प्राप्त करनी है तो 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 का भाग लगाएंगे 35, तो ये जाएगा आपका 75 बार। और 75 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 15 बार। और 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 3 बार। और 3 में नहीं जाएगा भाग, तो बस इसी को आप ऐड कर लीजिए। ये कितना हो गया 3, और ये 9, 93। तो 93 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पसंद आया? तो आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्न करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके हाई लेवल के प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी SSC GD या किसी भी वैकेंसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अगर मैथ पढ़ना पसंद है तो मैथ से रिलेटेड बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो उसको भी आप देख पाएंगे। तो और आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ पहले जो वीडियो मैं बना चुका हूँ उनको पहले जरूर देख लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। और SSC GD 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, लगातार वीडियो आपको दे रहे हैं, और उसकी SSC GD की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। बस आपको उस प्लेलिस्ट में जाना है, और आपको SSC GD 2023 से रिलेटिव जो भी वीडियो होगी वो वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।